Hello everyone, our today's topic of video is structure of pulp. हमने last video में देखा था what is the basic anatomy of pulp and we divided the pulp into coronal pulp, radicular pulp and two more parts, accessory canals and the apical foramen. Today we are going to see into depth of pulp so that we can relate to the significant clinical features that are present during pulpal ache or maybe during toothache. So let's go ahead with it. So जो सबसे पहला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पल्प में वो है सेंट्रली लोकेटेड पल्प. पल्प को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो सेंटर में लोकेटेड होता है पल्प का वो पार्ट और जो पेरिफेरी में लोकेटेड होता है पल्प का वो पार्ट. जो सेंटर में लोकेटेड होता है पल्प का पार्ट, उसमें प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. And these blood vessels and nerves contribute a lot and a big part to the characteristic significant features present during pulpal inflammation. और इन blood vessels और nerves के ऊपर हमने एक अलग से video बनाई है, because as I've told you, these contribute to a very significant features of all the pulpal inflammation. On the periphery, we have three zones. मैं हम आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं इसमें. तो जो सबसे बाहर का जोन है वो है ओडोंटोब्लास्टिक जोन. इस ओडोंटोब्लास्ट जोन में प्रेजेंट होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स. एंड ये जो मैं पॉइंटर मूव कर रही हूँ जहाँ पे अपना, जहाँ पे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दीज आर द ओडोंटोब्लास्टिक जोन. इसके बाद प्रेजेंट होता है सेल फ्री जोन. ये जो वाइट लाइन प्रेजेंट है ये है सेल फ्री जोन, और इस सेल फ्री जोन को व्हील्स जोन भी बोलते हैं. व्हील्स जोन, एज द नेम सजेस्ट, इस सेल फ्री जोन में कोई भी सेल यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है. आफ्टर द सेल फ्री जोन देयर इज सेल रिच जोन, जिसमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं पल्प के. फॉर एग्जाम्पल, द मेसेनकाइमल सेल्स, डिफेंस सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एक्सेट्रा. सो ऑलवेज रिमेंबर, आउटसाइड टू इनसाइड इज सबसे बाहर ओडोंटोब्लास्ट जोन, फिर सेल फ्री जोन, उसके बाद सेल रिच जोन, एंड देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पल्प विच हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. मूविंग ऑन टू ईच जोन, वी विल सी जो ओडोंटोब्लास्टिक जोन है उसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं. दरअसल क्या होता है, जो सेल ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है ओडोंटोब्लास्ट जोन में, और उनका जो सेल प्रोसेसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डेंटिन में. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पल्प के ओडोंटोब्लास्ट जोन है उसमें सिर्फ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, और जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की सेल प्रोसेसेस होते हैं वो डेंटिन में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो सेल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं डेंटिन में, इन्हीं के चारों तरफ डेंटिन सिक्रीट होती है और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स बनती हैं. ओडोंटोब्लास्ट जोन के बाद अंदर की तरफ आता है सेल फ्री जोन, और इस सेल फ्री जोन में ज़्यादातर, एज द नेम सजेस्ट, कि सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. पर ये ओडोंटोब्लास्ट जोन जो इसकी जस्ट ऊपर लाई करता है, जब ये ओडोंटोब्लास्ट एक्टिवली डेंटिन सिंथेसिस करते हैं तो कई बार ये इस सेल फ्री जोन में माइग्रेट होके भी आ जाते हैं, बट वैसे इट इज़ रिलेटिवली ए सेलुलर. सेल फ्री जोन के बाद आता है सेल रिच जोन, जिसमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल सेल्स, कोलाजन फाइबर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. पर समझने वाली बात इसमें यह है कि ये जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ये सिर्फ कोरोनल पल्प में प्रेजेंट होते हैं, रेडिकुलर पल्प में नहीं प्रेजेंट होते हैं. सो डू रिमेंबर दिस, मेसेनकाइमल सेल्स आर प्रेजेंट इन सेल रिच जोन पर ओनली ऑफ कोरोनल पल्प. That means pulp का वो part जो कि crown में present है सिर्फ उसमें होते हैं, radicular pulp में present नहीं होते हैं ये mesenchymal cells. Cell rich zone के बाद आता है pulp का core, जिसमें present होती है blood vessels and nerves. ये blood vessels nutrient supply का काम करती है और nerve sensation का काम करती है. अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सेल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं पल्प में और क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो अगर एक लिस्ट देखी जाए कि पल्प में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहला है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जो कि ओडोंटोब्लास्टिक जोन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है डेंटिन सिंथेसिस. ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के बाद है फाइब्रोब्लास्ट, जिनका काम होता है पल्प में कोलाजन फाइबर का प्रोडक्शन.
फिर आते हैं फाइबर्स. एज आई टोल्ड यू, फाइब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर प्रोडक्शन. तो ये फाइबर्स जो हैं ये कोलाजन फाइबर्स होते हैं और बेसिकली टाइप 1 और टाइप 3 फाइबर्स होते हैं. फिर आते हैं मीसेनकाइमल सेल्स, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. ये टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं और ये स्टेम सेल्स होते हैं बेसिकली. तो ये मीसेनकाइमल सेल्स किसी भी और सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं. फिर आते हैं पल्प के डिफेंस सेल्स, जो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसीजर और वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं. एंड लास्टली द पल्पल स्टेम सेल्स, जिनके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बिकॉज दिस टॉपिक ऑफ पल्पल स्टेम सेल्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन हेल्थ केयर. मूविंग ऑन टू द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये बेसिकली डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. हमारी टूथ में जितना भी डेंटिन फॉर्म होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के अराउंड ही होता है. एज आई टोल्ड यू कि जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के सेल प्रोसेसेस हैं वो अपने चारों तरफ डेंटिन सिंथेसाइज करते हैं. लोकेशन अगर इनकी देखी जाए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनकी लोकेशन जो है सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है पल्पल जोन में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ओडोंटोब्लास्ट है तो इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी पल्प में ओडोंटोब्लास्टिक जोन में और इसका जो सेल प्रोसेस होगा वो प्रेजेंट होगा डेंटिन में और इस सेल प्रोसेस के चारों तरफ डेंटिन सिंथेसाइज होगा. तो ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स बन जाएंगी. फाइन, सो नाउ एज वी हैव सीन द लोकेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, इसके बाद आता है कि इन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की साइज कितनी होती है. ऑल्दो ये याद करने की चीज़ नहीं है, बट स्टिल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि साइज में डायमीटर जो होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का, ज़्यादातर सेल्स की तरह माइक्रॉन्स में होता है और 5 to 7 माइक्रॉन होता है. और लेंथ जो है वो 25 to 40 माइक्रॉन होती है अबाउट इन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की. यू नॉट नीड टू लर्न इट, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. साइज के बाद आता है नंबर. तो एज आई हैव टोल्ड यू कि हर ओडोंटोब्लास्ट सेल के पास एक ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होता है और जितने भी ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस होते हैं उनके चारों तरफ डेंटिनल ट्यूब्यूल सिक्रीट होती है. दैट मीन्स 1 ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस इज इक्वल्स टू 1 डेंटिनल ट्यूब्यूल एंड ईच डेंटिनल ट्यूब्यूल दैट मीन्स इट वुड रिप्रेजेंट 1 ओडोंटोब्लास्ट सेल बॉडी. तो जो नंबर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के बराबर होता है क्योंकि हर ओडोंटोब्लास्ट अपने चारों तरफ एक डेंटिनल ट्यूब्यूल सेक्रेट करता है. नंबर के बाद आता है शेप. तो यूजुअली ये जो ओडोंटोब्लास्ट है वो टॉल कॉलमनार होते हैं, पर इनकी शेप जो है वो चेंज होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग अ टूथ, ये मैंने टूथ का क्राउन बनाया है और ये मैंने टूथ की रूट बनाई है. जो टूथ का क्राउन पोर्शन है उसमें जो पल्प है उसमें जो शेप होगी ओडोंटोब्लास्ट सेल की वो होगी टॉल कॉलमनार. जैसे जैसे रूट की तरफ अप्रोच करेगा और सीमेंटोइनेमल जंक्शन तक पहुंचेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पल्प में, ये हो जाएंगे क्यूबॉइडल शेप के. और जैसे जैसे रूट की एपिक्स तक पहुंचेंगे ये हो जाएंगे फ्लैट इन शेप. सो दैट मीन्स कॉलमनार शेप होगी कोरोनल पल्प में, क्यूबॉइडल शेप होगी एट ऑलमोस्ट सीजे और फ्लैटेंड हो जाएंगे ये एपेक्स पे. दैट मीन्स क्राउन से रूट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये फ्लैटन हो रहे हैं, पर बेसिकली इन्हें टॉल कॉलमनार ही कहते हैं इस शेप में. देन कम्स कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स. सो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, एज वी हैव सीन कि ये टॉल कॉलमनार होते हैं तो इनके पास एक सेल प्रोसेस भी होता है. यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट द डायग्राम विच इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ड्रॉइंग वन टू एक्सप्लेन यू. तो जो सेल बॉडीज होती है ओडोंटोब्लास्ट में उसमें बेस पे एक न्यूक्लियस होता है, देयर इज अ बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट. और इस बेसल न्यूक्लियस के चारों फिर जो एपिक्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फिर ये जो है अचानक से टेपर हो जाता है ये पार्ट और ये सेल प्रोसेस बनाने लगता है. इस सेल प्रोसेस में फिर ऑर्गेनलीज नहीं होते हैं, सेल बॉडी में ही ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल प्रोसेस में ऑर्गेनली नहीं होते हैं.
Now, since you have seen the structure, let's move on to the difference between active cell and resting cell. As I told you, कि odontoblast का function है dentine synthesis. तो जब ये odontoblast actively dentine synthesize करते हैं, तब और जब ये rest कर रहे होते हैं, तब में काफी फर्क होता है. सबसे पहले हम शेप के बारे में देखते हैं. तो जब ये एक्टिव सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तब इनकी शेप टॉल कॉलमनार होती है, और जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं, तब शॉर्ट स्टबी शेप होती है. शेप के बाद आता है कि प्रोसेसेस. तो जो ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस होते हैं, वो इलोंगेट हो जाते हैं एक्टिव स्टेट में. इसीलिए एक्टिव स्टेट में जो सेल की साइज है, वो भी बढ़ जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस साइज. और रेस्टिंग स्टेट में ये ओडोंटोब्लास्ट जो है शॉर्ट रहते हैं. इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म. ज़्यादा होता है एक्टिव सेल में और न्यूक्लियस छोटा होता है. एज वी कैन वेरी वेल नो कि जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, चाहे वो या फिर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है. और रेस्टिंग सेल में साइटोप्लाज्म कम होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है. आफ्टर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनलीज ऑफकोर्स एक्टिव सेल में ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसे एक्टिवली डेंटीन सिंथेसिस करना है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी चाहिए, आरईआर से प्रोटीन चाहिए. वही रेस्टिंग सेल को इतने ऑर्गेनलीज की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ नॉट सिंथेसाइजिंग एनीथिंग. एंड वैक्यूल्स जो होते हैं, वो लिपिड वैक्यूल्स कम होते हैं एक्टिव सेल में. वहीं जो रेस्टिंग सेल है, उसमें वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें काम ज़्यादा होता है वैक्यूल्स का. Now let's see a note about odontoblast, and this note is in particular important in this whole odontoblast theory. This note says odontoblasts have lost ability to divide. That means odontoblast जो है, एक बार जो odontoblast form हो गया, वो divide नहीं हो सकता, वो 1 से 2, 2 से 4 form नहीं कर सकता. Then you must be wondering कि आपने ये सुना होगा कि जब डेंटीन को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, हार्म होता है, तो सेकेंडरी डेंटीन सिक्रीट किया जाता है. Now you would be asking कि कहाँ से आता है ये सेकेंडरी डेंटीन जब ओडोंटोब्लास्ट एक बार डैमेज हो जाते हैं तो. सो बेसिकली ओडोंटोब्लास्ट डैमेज हो जाते हैं तो ये मीसेनकाइमल सेल्स, जो कि टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होके ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म कर लेते हैं. So odontoblast itself can never divide, but when it is damaged or when it is lost, mesenchymal cell replaces and make them as odontoblast. Do remember this note, it can come as an MCQ question. Moving on to the next cell and the most numerous cell in the pulp, fibroblast. Fibroblast जो हैं वो pulp में सबसे ज़्यादा present होने वाले cells में से हैं. In fact, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिव्यू कर रही थी, सो आई सॉ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, एंड इट वाज क्लियरली आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम प्रेजेंट इन पल्प. सो फाइब्रोब्लास्ट आर द मोस्ट न्यूमरस सेल टाइप इन पल्प, और जो सेकेंड न्यूमरस होते हैं, वो होते हैं ओडोंटोब्लास्ट. ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पढ़ लें पहले अच्छे से कि क्या पूछा है, मोस्ट न्यूमरस पूछा है या फिर सेकेंड मोस्ट न्यूमरस पूछा है. After this, let's move on to the shape of fibroblasts. So, fibroblasts are basically star-shaped in structure. They are like this. ऐसे star-shaped structure होगा, और इस star-shaped को stellate भी कहते हैं. I've shown it in the diagram very well कि इनके पास processes हैं काफी सारे, and it almost resembles a star. After the shape, we have organelles. तो fibroblasts में सभी तरीके के organelles present होते हैं. एंड एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट में ज़्यादा ऑर्गेनेल्स हैं एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग सेल. आफ्टर दिस फाइब्रोसाइट्स. व्हाट आर फाइब्रोसाइट्स? सो बेसिकली वो फाइब्रोब्लास्ट जो कि ओल्ड हो चुके हैं या रेस्टिंग स्टेज में हैं, उनको फाइब्रोसाइट कह देते हैं. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि फाइब्रोसाइट अगर टर्म आए तो ये क्या है. बेसिकली ओल्डर फाइब्रोसाइट्स आर नोन एज ओल्डर फाइब्रोब्लास्ट आर नोन एज फाइब्रोसाइट्स. Now the most important topic in the fibroblast, कि function क्या होता है fibroblast का. तो जितना भी pulp का matrix है, fibroblast वो form करते हैं. matrix में सबसे ज़्यादा क्या होता है, collagen fibers होते हैं, जो कि हमारा next topic भी है इसमें. so fibroblast basically pulp में collagen fibers formation का काम करते हैं.
कोलेजन फाइबर फॉर्मेशन का काम करते हैं, और यही फाइब्रोब्लास्ट जब कोलेजन फाइबर पुराने हो जाते हैं तो उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट का ड्यूअल रोल है, पल्प के कोलेजन फाइबर फॉर्मेशन का भी रोल है और पल्प के कोलेजन फाइबर डाइजेशन का भी रोल है। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये सिर्फ पल्प के कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जो डेंटिन में कोलेजन फाइबर होता है उसका फॉर्मेशन हमेशा ओडोंटोब्लास्ट सेल करते हैं। डेंटिन में जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म करेंगे, जो पल्प का मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग इट। अपार्ट फ्रॉम फाइबर फॉर्मेशन एंड इंजेशन, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उनका रोल वुंड हीलिंग में भी होता है। ये वुंड हीलिंग में काम आते हैं एंड बिकॉज दिस सिक्रीट मीडिएटर्स लाइक FGF2, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 एंड VEGF2, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। सो यू नॉट हैव टू लर्न अबाउट दीज मीडिएटर्स, जस्ट रिमेंबर दैट फाइब्रोब्लास्ट का रोल हीलिंग में भी होता है और ऐसे ही फाइब्रोब्लास्ट का रोल इन्फ्लामेशन में भी होता है, क्योंकि ये साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं। सो पूरे फाइब्रोब्लास्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फाइब्रोब्लास्ट का, कि वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। एंड इसमें भी द फर्स्ट पॉइंट कि फाइब्रोब्लास्ट फाइबर फॉर्मेशन करते हैं और इंजेशन करते हैं, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली पल्प का। इसके बाद जो दूसरे सेल्स आते हैं पल्प में वो हैं फाइबर्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि फाइबर किससे प्रोड्यूस होते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अगर पल्प की बात की जाए तो डेंटिन में फॉर्म फाइबर होते हैं वाया ओडोंटोब्लास्ट। आई रिपीट इट अगेन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो पल्प में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कोलाजन फाइबर्स होते हैं, और कोलाजन में भी टाइप पूछा जाए तो बेसिकली फिब्रिलिन कोलाजन होता है। ये फिब्रिलिन कोलाजन में टाइप 1 एंड टाइप 3। यू डू हैव टू रिमेंबर इट कि जो पल्प है उसमें टाइप 1 कोलाजन और टाइप 3 कोलाजन सबसे ज़्यादा होता है। दिस माइट बी आस्क्ड एज एन MCQ क्वेश्चन और मे बी एज अ वाइवा क्वेश्चन। इनका डायमेंशंस, अगेन यू डू नॉट हैव टू लर्न द डायमेंशंस, बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सो इनका डायामीटर होता है 10 टू 12 नैनोमीटर एंड इनकी लेंथ होती है 10 टू 100 नैनोमीटर लेंथ। नाउ दिस थिंग ऑफ कोलेजन, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है कोलेजन की। फिजियोलॉजिकली तो ये प्रेजेंट होते ही हैं, दैट मीन्स नॉर्मल स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं, पर ट्रॉमा में इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है कोलेजन फाइबर्स का। बेसिकली ये जो कोलेजन प्रेजेंट होता है पल्प में, ये क्या करता है, ये एक मीडिएटर होता है इन्फ्लामेशन का, TGF-beta। ये इस मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करता है, और ये TGF-beta क्या करता है, अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट है उनको कन्वर्ट कर देगा मायोब्लास्ट में। मायोब्लास्ट की एक खास बात होती है कि ये स्मूथ मसल सेल्स जैसे होते हैं। ये मायोब्लास्ट स्मूथ मसल सेल्स जैसे होते हैं, इसका मतलब इनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये मायोब्लास्ट क्या करते हैं, जो वूंड है, ओपन वूंड है, उसको हील करते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कोलेजन की ट्रॉमा में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस है, क्योंकि कोलेजन इस पूरे प्रोसीजर को इनिशिएट करता है, इसलिए कोलेजन वुंड हीलिंग में काम आता है। इसके बाद आते हैं मीसेनकाइमल सेल्स। सो दीज मीसेनकाइमल सेल्स, अगर इनकी शेप की बात की जाए तो ये पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल मतलब इस तरीके के सेल्स होते हैं, ये कई सारे एंड्स होते हैं, और पॉलीगोनल सेल्स के पास प्रोसेसेस भी होते हैं, राइट। ये मीसेनकाइमल सेल्स सिर्फ यंग पल्प में प्रेजेंट होते हैं, ओल्ड पल्प में प्रेजेंट बहुत कम नंबर्स में होते हैं। एंड यंग पल्प के भी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये सिर्फ कोरोनल पल्प में प्रेजेंट होते हैं, यंग पल्प के कोरोनल पार्ट। नाउ द मेन थिंग जो कि मीसेनकाइमल सेल्स में इम्पॉर्टेंट है वो है इनकी मल्टीपोटेंसी या फिर टोटीपोटेंसी। क्या होती है मल्टीपोटेंसी या टोटीपोटेंसी? बेसिकली टोटीपोटेंसी का मतलब होता है ये मीसेनकाइमल सेल्स जो हैं ये किसी भी और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं।
किसी भी और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लस ये एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिव राइज कर सकते हैं अगर प्रॉपरली इन्हें कल्चर मीडिया में कल्टिवेट किया जाए तो. सो फर्स्टली दे कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर सेल जैसे कि हमने देखा ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ये वैसे ही ये और भी किसी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं जब ज़रूरत पड़े. और सेकेंडली they can give rise to a complete organism in a culture media if provided with appropriate conditions. They can give rise to a complete organism. ये point इसका थोड़ा doubt है. It is not yet confirmed, but it is believed that they are totipotent cells. So as you can clearly see in the diagram, कि जो ओरल मेसेनकाइमल सेल्स हैं दे आर मल्टीपोटेंट एंड ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि कार्टिलेजिनस सेल्स, मायोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, न्यूरल सेल्स, एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सीमेंटोब्लास्ट यानी कि सीमेंटम प्रोड्यूसिंग सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स या पेरियोडोंटल लिगामेंट सेल, इसमें से किसी में भी ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं. सो इट हैज़ गॉट ग्रेट सिग्निफिकेंस अहेड. After mesenchymal cells, we have defense cells. So as we know कि हमारी oral cavity जो है it is a house to many microbial flora. So of course our pulp needs protection from harmful bacteria. This is the reason why it has defense cells. और defense cells में सबसे पहला cell है dendritic cell. As you can see its shape, it is almost star shaped. ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं इनके दो मेजर फंक्शन होते हैं, पहला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और इम्यूनोसर्वेलेंस. ऑल्दो दीज टर्म्स आर वेरी कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनोलॉजी, जब हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी तो ये दो टर्म्स आए थे, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो वो एंटीजन पहले जो है डेंड्रिटिक सेल से इंटरैक्ट करता है. ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये उस एंटीजन को टी सेल को प्रेजेंट करती है और उसके बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो टी सेल जनरेट करते हैं. सो बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एज द नेम सजेस्ट, कि ये डेंड्रिटिक सेल फॉरन एंटीजन को लाते हैं और टी सेल तक ले जाते हैं. और इम्यूनोसर्वेलेंस का मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि पल्प में कोई फॉरेन एंटीजन तो नहीं आया. इसीलिए डेंड्रिटिक सेल्स के दो मेजर फंक्शन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड इम्यूनोसर्वेलेंस. नेक्स्ट इज हिस्टियोसाइट्स. सो हिस्टियोसाइट्स आर बेसिकली नथिंग बट मैक्रोफेजेस विच हैव माइग्रेटेड टू टिश्यू. तो हिस्टियोसाइट्स आर बेसिकली टिश्यू मैक्रोफेजेस ओनली. और ये मैक्रोफेज हैं, इसका मतलब इनका बेसिक काम फेगोसाइटोसिस ही होगा. इन हिस्टियोसाइट्स में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब ये हिस्टियोसाइट्स किसी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन माइक्रोब को फेगोसाइटोस कर ले तो वो फॉरेन एंटीजन या माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाए. डेंड्रिटिक सेल्स और हिस्टियोसाइट्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स. ये भी बेसिकली फेगोसाइटोसिस में ही हेल्प करते हैं, दे एड इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब. इन सेल्स के अलावा जो WBCs होती है जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बैजोफिल्स. इनमें से लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ए ग्रैन्युलर WBCs हैं एंड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बैजोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट WBCs हैं. ये भी प्रेजेंट होती है पल्प में. नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड द होल टॉपिक, लेट्स रीकैप द टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव पिक्ड आउट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर NDS ऑन नीट क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हील जोन ऑफ पल्प इज ऑप्शन नंबर ए सेल डीजनरेटेड जोन, ऑप्शन बी सेल रिच जोन, ऑप्शन सी सेल रीजनरेटेड जोन एंड ऑप्शन डी सेल फ्री जोन. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पल्प के दो पार्ट्स हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल. पेरिफेरल पार्ट में आउटर मोस्ट है ओडोंटोब्लास्टिक जोन, उसके बाद आता है सेल फ्री जोन जिसे जोन ऑफ व्हील्स भी कहते हैं, उसके बाद आता है सेल रिच जोन. सो क्लियरली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
Diels zone is cell-free zone. That is option number D. Moving on to our next question, odontoblasts are derived from option A, undifferentiated mesenchymal cells, option B, histiocytes, option C, macrophages, option D, lymphocytes. So clearly, as I've told you, mesenchymal cells are totipotent cells which convert into odontoblasts, because odontoblasts could divide nahi kar sakte hain. Isiliye, they are derived from mesenchymal cells. So clearly the answer to this question is option number A. That is, odontoblast cells are derived from undifferentiated mesenchymal cells. Our next question is, the cells of dental pulp responsible for deposition of reparative dentine are option A, osteoblast, option B, odontoblast, option C, ameloblast, and option D, osteocyte. So osteoblast bone forming cells hote hain, jo bone banate hain. Odontoblast dentin forming cells hote hain. Ameloblast enamel forming cells hote hain. Aur osteocyte bone ke cells ko kehte hain. So now the answer is very clear. Ki dentin chahe reparative dentin ho, secondary dentin ho, sclerotic dentin ho, ya fir primary dentin ho, sabhi tarike ke dentin odontoblast se form hote hain. So the answer to this question is option number B, odontoblast. Our next question is, cells occurring in greatest number in pulp are option A, cementoblast, option B, fibroblast, option C, osteoblast, and option D, ameloblast. So as I already told you that this question might come in MCQs, so here we are. Jo sabse zyada number of cells hote hain pulp mein wo fibroblast hote hain aur second number pe hote hain odontoblast. So clearly the answer to this question is option number B, fibroblast are the most numerous cells present in pulp. After this question, our next question is, cell-free zone in pulp lies above odontoblast, B, below odontoblast, C, in radicular pulp, and D, in pulp horn. So, as we have discussed, ki jo pulp hota hai, usme peripheral pulp mein teen zones hote hain, odontoblastic zone, jo ki sabse bahar hota hai, fir cell-free zone, and सबसे अंदर होता है cell rich zone, उसके बाद central pulp आता है. So now the answer to this question is below odontoblast zone, cell free zone or zone of Weil lies in below odontoblastic zone or below odontoblast. Our next question is, protein secreted by odontoblast is A, chitin, B, keratin, C, collagen, and D, elastin. As I've told you कि जो डेंटीन है उसका मैट्रिक्स मेजरली ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीट करता है जो कि कोलाजन फाइबर्स के फॉर्म में होता है और जो पल्प होता है उसका मैट्रिक्स मेजरली फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है वो भी कोलाजन के फॉर्म में ही होता है. सो क्लियरली ओडोंटोब्लास्ट जो कि डेंटीन का मैट्रिक्स सिक्रीट करता है वो कोलाजन प्रोटीन सिक्रीट करता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कोलाजन. आवर लास्ट क्वेश्चन इज, the pulp stem cells are A, pluripotent, B, totipotent, C, multipotent, and D, none. So you would be able to answer this question in a better manner agar aap pulp stem cells ki video dekhenge to. But still I would tell you ki jo pulp ke pluripotent cells hote hain wo hote hain pulp stem cells aur pulp stem cells jinhe kehte hain. और जो पल्प के मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं या टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं वो होते हैं मीसेनकाइमल सेल्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्लूरीपोटेंट पूछा है तो पल्प स्टेम सेल्स, और मल्टीपोटेंट या टोटीपोटेंट पूछा है तो मीसेनकाइमल सेल्स. ये दीज आर थिंग्स विच आर रिटन इन बिटवीन द लाइन्स, सो डू रिमेंबर इट. इन पे MCQs आ सकते हैं एंड इफ वी वुडंट हैव रेड इन बिटवीन द लाइंस तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ पल्प. इसमें से जो नर्व्स, ब्लड वेसल्स और पल्पल स्टेम सेल्स हैं इनके बारे में अलग से वीडियो होगी, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दे नीड टू बी स्टडीड इन डिटेल. I hope you liked the video today and you found it knowledgeable and it would help you. And do not forget
to like, share and subscribe the video. It helps us a lot and encourages us to make more such videos. Thank you.